सामईन, ऑनरेबल मिनिस्टर श्री नासिरुद्दीन शाह साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर श्री शर्जील इनाम रेवर साहब, हमारे ऑनरेबल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नजम शाह साहब, आलम रफी साहब, ज़ुबैर शन्ना साहब एंड शो बिजनेस के जो भी यहाँ पे हैं उसको, और मीडिया के पर्सन, लेडीज जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। मैनेजमेंट बहसीत मैनेजमेंट डायरेक्टर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि आज यहाँ एक वेब सीरीज़ की स्क्रीनिंग होने जा रही है जिसका थीम यकीनन मुनफरद है। ये वेब सीरीज़ एक बाशऊर शहरी कि हमें सोचने पर मजबूर करेगी कि आखिर सब कुछ होने के बावजूद हम महज़ब माशरा तश्कील देने से कासिर क्यों हैं। एक उससे बड़े वजह फोसल फ्यूल का इस्तेमाल है जिससे छुटकारा पाने के लिए दुनिया तवानाई की मुतबादल ज़राए पर मुंतकिल हो रही है। सिंथ सॉलिड वेस्ट भी कचरे का काबिल इस्तेमाल बनाने पर अमल पैरा है। शायद आपको पता ना हो लेकिन कचरे कराची में कचरे से नबाताती खाद भी बन रही है और प्लास्टिक मटेरियल भी तैयार हो रहा है जैसे कि दोबारा भी इस्तेमाल किया जाएगा। बदीर के इलाके GTS शराफी और बंदिया क्यावाड़ी में एक समाजी तंजीम TF Fund के इश्तराक से हम हरियाली हब चला रहे हैं जहां कचरे की छटाई की करके किचन वेस्ट और से हम गीला कचरा भी कहते हैं से पौधों के लिए खाद बना रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं कचरे से ईंधन की दूसरी शाम बनाने पे सोच रहे हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट कराची के सातों अजलास समेत हैदराबाद, लाड़काना, रोड़ी, सखर में भी सर्विस शुरू कर चुके हैं और जल्द ही शहीद बेनजीराबाद, मीरपुर खास और दीगर शहरों में भी असेसमेंट रिपोर्ट बनाकर हम दायरा पूरे सिंध तक बढ़ा दिया जाएगा जिनके लिए महकमा हेमतियात और सिंध हुकूमत खूसी तवज्जा दे रही है। इस वक्त सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड साल के सबसे बड़े इवेंट यानी ईद उल अज़हा के मौके पर आलाइशों को ठिकाने लगाने और शहर की सफाई यकीनी बनाने पर काम कर रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक ईद उल अज़हा पर शहर से 4 दिनों के दौरान मजमू तौर पर 1,10,000 टन से जायद आलाइश और कचरा उठाएगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Honorable Minister سيد ناصرالدين شاہ صاحب نجمی آدم صاحب Secretary of Government I would like to congratulate Honorable Minister ناصرالدین شاہ صاحب کہ ان کے دور میں ہی یہ چیز ممکن ہوئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آف سندھ نے کراچی کے مختلف डिस्ट्रिक्ट में, लाड़काना में, सखर में और हैदराबाद में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के जरिए क्लीनिंग का जो एक अमल और ये प्रोसेस स्टार्ट किया है। यकीनी तौर पर इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी थी और यकीनी तौर पर इस पूरी ड्राइव से लोगों को जो एक डेली का मुकाबला था वो भी पूरा हो रहा है और ये हम सबके लिए एक बेहतरीन अमल के तौर पे सामने आ रहा है। डेफिनेटली लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड काम कर रहा है इनके नेक्स्ट आगे फिर मीरपुर खास और सिंध के बड़े दीगर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं और सिंध भर में इंशाल्लाह सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है वो अपना काम आगे लेकर जाएगा। गवर्नमेंट का डेफिनेटली ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ये सारे फराइज जो है सर अंजाम दें, लेकिन असल बात ये है कि
मेरी आपकी बात बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने मुल्क की एक मायानाज स्पोर्ट्स जिसकी बहुत कदर की जाती है उसको उसमें स्पोर्ट्स को यूज किया, क्रिकेट को एज ए टूल। अच्छी बात है, हम सबको पूरे मुआशरे को उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये जो इम्प्रेशन जाता है, जो उस वीडियो में एक मैसेज दिया गया कि जी बाहर से इम्प्रेशन क्या था, बाहर के लोगों को क्या दिखाया गया था कि जी हमारे मुल्क में खुदा न खासा गंदगी बहुत है, मुसलमान बिल्कुल गंदे नहीं है, पाकिस्तानी बिल्कुल गंदे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। काबिले एहतराम और आज की तकरीब के चीफ गेस्ट मोहतरम शर्जील इनाम मेमन साहब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नजम शाह साहब, नजमी आलम साहब, इम्तियाज शाह साहब, जुबैर चन्ना साहब, एहसन साहब, किंजा साहिबा और हमारे सॉलिड वेस्ट और स्वीप के ऑफिशियल्स, KMC, DMC और सिविल सोसाइटी और दीगर जो यहाँ पे अफसरान मौजूद हैं और सिविल सोसाइटी की एक बहुत बड़ी तादाद, ख्वातीनों हजरात, प्रेस के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ज़बरदस्त ये जो इवेंट है, जो आगाही का एक इवेंट है जिसमें कमर्शियल्स भी बनाए गए हैं, वेब सीरीज भी बनाई गई है और फिर एक तराना भी इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि ये सबको एक मैसेज हो और एक समझाया जा सके मुख्तलिफ तरीके से। हम लोग तो टीवी कमर्शियल और अखबारों में बहुत सारे इश्तहार दे के शर्जील साहब या हमारे ज़ुबैर चन्ना साहब, इम्तियाज शाह साहब और सब लोग समझाते समझाते थक गए, लेकिन अब एक अच्छी उम्मीद है कि एहसन और किंजा ने जिस तरह इसको बनाया है तो ये कुछ मजीद आसानी से समझा जा सके और जो अपना अपना रोल है, जो हमारा फ़र्ज़ है एक शहरी के नाते, वो हम अपना निभा सकें। तो कराची के 7 अज़ला में इस वक्त सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट काम कर रहा है और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। एक दो जगह पे इश्यूज ज़रूर हैं, मैंने MD साहब से भी कहा है, इम्तियाज़ शाह साहब से भी और ज़ुबैर साहब से भी कि उन पर एक्शन लिया जाए जहाँ की परफॉर्मेंस जो है वो अप टू मार्क नहीं है, तो उन पर बहुत जल्द एक्शन लिया जाएगा और किसी को भी इसमें किसी की नेग्लिजेंस की वजह से हमारे शहरियों को कहीं पर अगर कोई तकलीफ हो तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सवेरे दरवाज़ा नॉक करके कचरा उठाने की कोशिश भी की कि लोगों को बताया जाए कि ये कचरा उठाने के लिए जो गाड़ी आ रही है इसको आप कचरा दें, इसके बाद ना दें, लेकिन वो सेंस ऑफ रियलाइजेशन हमें लगा कि वो नहीं है। उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट वजह जो हमें लगा, एंड आई एम वेरी ओपनली एडमिटिंग इट, कि वो जो ट्रस्ट लेवल है बिकॉज एक पब्लिक के और गवर्नमेंट के बीच में वो नहीं था। शायद उस घर के बैठे हुए खातून को या किसी और मर्द को यह एहसास था कि ये कचरा तो आएंगे, आ जाएंगे तो कल नहीं आएंगे, तो वो इस चीज़ का इंतजार ही नहीं करते थे। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम यहाँ से मुल्क से बाहर जाते हैं तो हमें चलते फिरते हाथ में वो कचरा लेके घूमते हैं, वो डब्बा ढूंढते हैं, उसमें डालते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें यहाँ नज़र नहीं आई। अब क्या इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को इन्फोर्स फोर्सफुली किया जाए, लॉ के थ्रू किया जाए, दरवाज़ों पर जो है लोगों को मजबूर किया जाए कि कचरा यहाँ नहीं फेंकेंगे तो पेनालाइज किया जाए, लेकिन वो तरीका शायद समझ में नहीं आया। वी हैड ए सीरीज ऑफ डिस्कशन विद मेनी सोशल साइंटिस्ट, वी ट्राइड टू फाइंड आउट अ वे कि ये पब्लिक अवेयरनेस, लोगों को एहसास कैसे दिलाया जाए। और आप जानते हैं कि आज का दौर जो है वो
सोशल मीडिया का दौर है जिसमें अटेंशन स्पैन बहुत छोटा है। उस छोटे अटेंशन स्पैन के अंदर मैसेज कम्युनिकेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ आज के दौर जो है वो स्क्रीन का दौर है। तो इस बैकग्राउंड के साथ वी केम अप विद एन आइडिया कि हम एक मिनी सीरीज बनाएं और उस मिनी सीरीज के अंदर जो मैसेज हमें कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो किया जाए। वी ज्वाइंट हैंड्स टुगेदर एंड आई एम वेरी थैंकफुल एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट हियर कि इन एंटायर एफर्ट्स द वर्ल्ड बैंक टीम वाज वर्किंग हियर इन कराची अलॉन्ग विद द क्लिक एज वेल एज द स्वीप दे वर विथ अस एंड दे गेव अस ऑल द आइडियाज टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ इवेंट्स। सो वी केम अप विद थ्री आइडियाज। One, a mini series. I'm very thankful with both the key actors who are sitting with us today. They have played with their heart and mind to make this series a good one. And I'm sure once you watch it, you will be much happier. That the message they communicate करना चाहते हैं, they have played and they have done it very brilliantly. दूसरा, इस पूरे मोहिम को हमने एक slogan देना था. It's important to have an anthem. And I'm again thankful here. He's not here. शबकर अमानत ली वेरी ग्रेशियसली एक्सेप्टेड कि वो मैं जो हमने एंथम बनाया था उसको ही सांग एंड विल बी वेरी शॉर्टली एक्चुअली लिसनिंग टू दैट सॉन्ग एज वेल। लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अ हीरो एंड यू कैन सी वी वेंट थ्रू मल्टीपल आइडियाज एंड देन वी केम अप विद ट्रांसफार्मर का आइडिया है। उस ट्रांसफार्मर में हमारे पास एक गाड़ी है जो घरों पर जाती है और वो कचरा उठाती है। वी कन्वर्टेड दिस एंड वी मेड ए ऑटोबॉट and that autobot you'll see in every ad which we are making for this always. That's the background, but that's not the solid waste management board ke chanda sahab hain aur digar hamare sath jo honorable guest maujood hain unse request karunga in bachchon ki hausla afzai ke liye is photograph ke liye please hame join kijiye taki bachchon ki hausla afzai ho sake। Bilkul sir, tamam solid waste management se guzarish hai ki wo stage pe aaye aur in बच्चों के साथ हमारे यंग वॉरियर्स के साथ एक खूबसूरत सी यादगार की तस्वीर हो जाए। उसके बाद हम बढ़ रहे हैं एक बहुत ही ऑलराइट, साथ साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा क्लीन स्वीप की टीम से कि यंग वॉरियर्स के साथ हमें ज्वाइन करें ताकि ये फोटोग्राफ हो सके और ये फोटोग्राफ हमेशा इनको याद दिला सके कि ये इस और सोशल अवेयरनेस कैंपेन का हिस्सा थे। दिशान भाई आप हमें प्लीज ज्वाइन कीजिएगा, साथ साथ क्लीन स्वीप की पूरी टीम से मैं क्लीन स्वीप की पूरी टीम जो जो यहाँ मौजूद है बिल्कुल स्टेज पे आ जाए और इस मोमेंट को अनफॉरगेटेबल मोमेंट कर दे आपके लिए, हमारे लिए, इन बच्चों के लिए जिन्होंने इतने खूबसूरत परफॉर्मर है, मल्टी टैलेंटेड है और आपकी यकीनन इनको बैकबोन चाहिए, इनको आपकी पजीराई चाहिए। ये तमाम हमारे वो नन्हे आर्टिस्ट, वो वॉरियर हैं जो हमारे साथ आज हमारे स्टेज पे मौजूद हैं। ये क्लीन स्वीप की पूरी टीम हमें यहाँ पे ज्वाइन कर रही है और ये वो फोटोग्राफ है जो मुद्दे तो याद रखा जाएगा, रिवायती फोटोग्राफ से हट के ये फोटोग्राफ है और हम भी अब इस टीम का हिस्सा है। क्लीन स्वीप की इस टीम का आज हम भी हिस्सा बन चुके हैं और इस खूबसूरत सी टीम, इस खूबसूरत से सिलसिले का हिस्सा हम सब हैं। जी हाँ, साथ साथ यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेटर सईद आजाद साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, खालिद जिया साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सर आप भी हमें स्टेज पे ज्वाइन करें। सईद आजाद साहब प्लीज आप आए। सईद आजाद साहब पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेटर और इस वेब सीरीज का क्रिकेट से बड़ा गहरा ताल्लुक है। सईद आजाद साहब प्लीज ज्वाइन कीजिए, जरा क्विकली आ जाइए प्लीज ताकि इन बच्चों की हौसला अफजाई हो सके। खालिद जिया साहब, सईद आजाद साहब और इसके बाद भी इंटरटेनमेंट का सिलसिला जारी और सारी है क्योंकि हम देखने वाले हमारी स्क्रीन पे यकीनन आप भी बहुत ही एक्साइटेड होंगे। हमारी स्क्रीन पे अब से कुछ देर में चलेगी एपिसोड जो कि हम देखेंगे, एंजॉय करेंगे और यकीनन हमें पता चलेगा आखिर हम क्या करने जा रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, और इस फोटोग्राफ के बाद इस वेब सीरीज SMD पे उसके बाद वो वक्त होगा और वो हमारे साथ होंगे। क्रिकेट जेंटलमैन गेम है, इसको जेंटलमैनली मैनर में खेलना होता है। मामा दिलावजह परेशान हो रही है, मैं अपने डैड के शहर, रोशनियों के शहर, शहरे कायद कराची में जा रही हूँ। वहाँ पर सलमान खान की फिल्म चल रही है, इमरान खान की फिल्म चल रही है। Thank you.
मुसलमानों की आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा शहर। ये समझ में नहीं आता कि वो दुनिया के गंदे तरीन शहरों की लिस्ट में कैसे आ सकता है। इतना कुछ गलत हुआ लेकिन लोग गलत को सही समझते। कुछ गलत है ही नहीं, जो गलत है वो भी सही। सिंगापुर हर शख्स यहाँ अपनी खोज में है, कचरा कुंडी चारों तरफ यहाँ पूरे फ्लोर में है, तू ना होश में है, गुम किसी सोच में है, मेरी जान करा अपनी मौज में है। जब तक हमें गलत और सही में फर्क करने की सलाहियत ना होगी तब तक हम ये सॉरी का इस्तेमाल करते रहेंगे। देखो खेलने की जगह है, जा जाकर मैदान में खेलो यार। दुनिया में ऐसी कोई क्रिकेट टीम है जो बाबर और रिजवान के बगैर जीत सकती है? बाबर की कवर ड्राइव, रिजवान का फ्लिक ऑस्ट्रेलिया में कमाल कर देगी। आज हमारे बाबर और रिजवान की जोड़ी का बर्थडे है, स्कूल की क्रिकेट टीम में माशाल्लाह सेलेक्ट हो गए। तुम्हें पता है कराची वर्ल्ड सिटीज में आता है, जहाँ जाओ वहाँ कचरा ही कचरा पड़ा है। जी आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त शहर कराची के अहम शहरों पे मौजूद हूँ और इस वक्त बदतरीन ट्रैफिक जैम है। अगर ज़हरी तौर पे पहले ही हार गए तो जीतेंगे कैसे? देखो खेल तो खेल है, हार जीत तो होती है ना, अगर पार्टनरशिप अच्छी हो तो लंबी इनिंग्स खेली जा सकती है। पाकिस्तान के झंडे में हरा रंग क्यों है? पाकिस्तान इंडिया 30 साल, वो हरा रंग पाकिस्तान की अलामत है। लालो मुझे भी पास होना है। क्या हमारा फर्ज ही बनता कि हम अपने इलाके को, अपने मुल्क को, अपने शहर को साफ रखें? पाकिस्तान का सितारा अपने माथे पे सजाए हर मैदान फतह करे। 22 करोड़ लोगों की आबादी का मुल्क है, आपको क्या लगता है कुछ भी होगा तो सब लोग हार जाएंगे? न्यूजीलैंड 10,000, ऑस्ट्रेलिया भी 5,000 लगा। पाकिस्तान में हालात ग्राउंड में खेल तो नहीं सकते, खिलाड़ियों के लिए ग्राउंड साफ तो कर सकते हैं ना? कराची में ऐसा कुछ नहीं है। So let's go green to make our planet clean. पता है तुम्हारा नसीब हो, होपलेस ही होना कभी भैया। कौन है? हर वक्त सुनहरा आएगा जब सबसे की रंगत से बना, पर जो अपना लहराएगा से बना, पर जम अपना लहराएगा। मंजर मंजर बस्ती बस्ती, मंजिल मंजिल हस्ती हस्ती, तुझको पहचान दिलाएंगे, तेरी रौनक वापस लाएंगे, तेरे पाक जमी की खुशबू से के दीप जलाएंगे। सबसे की रंगत से बना, पर जम अपना लहराएगा। मेहरान के जवान, करना है बस एक काम, सफाई है इसकी मां।
स्टोर और ऐप स्टोर से अभी हमारी ऐप डाउनलोड करें और अपनी शिकायत दर्ज करवाएं। वाह क्या बात है, ये खुशबू हमेशा मेरे दिल को भाती है। हम मिलकर ही अपने माहौल को खुशगवार बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो हमारे जो मोजेस गेस्ट सामने मौजूद हैं, हमारे स्पेशल डिग्निटीज, उनका थैंक यू करेंगे कि आप आज यहाँ पे हैं। और ये बहुत खुशी की बात है कि इतने ज़बरदस्त प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट लिया जा रहा है। और एज वी शोबिज पीपल ऑलवेज कंप्लेन कि हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि ये हिस्सा जो है निगलेक्टेड है, बट ऑब्वियसली आफ्टर दिस प्रोजेक्ट आई एम वेरी होपफुल। और आई थिंक एक नए एरा का भी आगाज़ है कि इस फिल्म के ज़रिए सिंध गवर्नमेंट ने जो ज़बरदस्त एक काम किया है, तो उनको खराज तहसीन पेश करते हैं कि अवेयरनेस प्रोजेक्ट, चूँकि हमारे यहाँ पे मोस्टली हम एंटरटेनमेंट का तो सोचते हैं, लेकिन अगर हर एंटरटेनमेंट के साथ साथ हम कुछ अवेयरनेस प्रोजेक्ट भी बनाते रहें तो इंशाल्लाह लोगों तक एक पैगाम पहुँचाना आसान हो जाता है और लोगों को तालीम देना भी बहुत आसान होता है। बट थैंक यू वेरी मच, आप सब मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू नासिर साहब और शजील साहब, खास तौर पे सर आप लोगों का थैंक यू। एक चीज किंजा ने बहुत अच्छी बात की, सफाई नर्सी माने है। उसके साथ साथ आप देखते हैं कि ब्लेम गेम करना बहुत इजी है, क्योंकि वो एक वतीरा बन चुका है शायद हम लोगों का कि हम दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं और खुद कुछ भी करते रहे, हमें कभी नहीं लगता कि हम गलत हैं। लेकिन इस फिल्म के जरिए जो लोगों में पैगाम ये पहुँच रहा है कि सिंध गवर्नमेंट बहुत काम करे, और हमने अपनी आंखों से भी देखा, इसके हम लोग चश्मदीद गवाह हैं कि वाकईतन बहुत एक मैसिव तरीके से कराची में काम हो रहा है। लेकिन कुछ हम लोगों की आदत बन गई कि अच्छी चीज़ों को हम उजागर नहीं कर पाते, ना खुद से करते, और नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा रुझान रहता है। आप देखिए जितनी नेगेटिविटी क्रिएट होती है, फिर सबका माइंडसेट भी नेगेटिव होता है। तो इट्स अबाउट टाइम वी ऑल शुड गेट टुगेदर यूनिटी के साथ, पूरा मुल्क, तमाम इदारे, सिंध गवर्नमेंट, दूसरी गवर्नमेंट्स और तमाम जितने भी हमारे इदारे हैं, हम सबको मिल के मुल्क के लिए काम। काफ़ी बच्चे हैं ना, हम दोनों के अलावा बाकी जितने भी लोग हैं, नए लोग हैं, और उन सबको एक मौका मिला है कि वो अपना टैलेंट दिखा सकें। और मैं नहीं चाहूँगी कि हम भूलें हमारे डायरेक्टर को अली फरहान। बिल्कुल अली फरहान, थैंक यू सो मच, अली ने बहुत अच्छा काम किया, यू आर सुपर टैलेंटेड अली, थैंक यू, वेरी वेरी टैलेंटेड। मैं जी यहाँ पे आई वांट टू टेक फर्दर टाइम, थैंक यू वेरी मच, मैं आगे बढ़ना है, लेकिन जाते जाते हम इतनी बात जरूर कहना चाहेंगे कि सिंध गवर्नमेंट का शुक्रिया एक बार तौर पर कि इतने खूबसूरत इनिशिएटिव में जो है उस पर इन्वेस्ट करना या उस चीज़ को हाईलाइट करना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अनदर रिक्वेस्ट दैट अपने साथ हम लोगों को लेके चलिए, ताकि जब लोगों तक कोई पैगाम पहुंचाना है या उनको एजुकेट करना है, तो ये एक बेहतरीन तरीका है कि हम अपनी फिल्म के ज़रिए, अपनी सीरीज़ के ज़रिए, टेलीविज़न के ज़रिए, आपका हमारा जो एक मिल के पाकिस्तान के लिए अच्छा काम है, उसको आगे बढ़ाएंगे। तो जी के फिल्म और अली फरहान एंड एवरीबडी एंड सिंध गवर्नमेंट, थैंक यू सो मच, थैंक यू।